हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में सीखा कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में मोड किस तरह से निकाला जाता है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मोड को ग्रुपिंग मेथड में किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उठता है कि मोड में आखिर ग्रुपिंग मेथड लगाया कब जाए। तो सबसे ज्यादा बार जब हम लोग ग्रुपिंग मेथड लगाते हैं उसका एक ही कॉमन रीजन होता है कि हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो रिपीट हो रही होती है। आप सबको पता है, अगर आपने कंटिन्यूअस सीरीज में मोड निकालना नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हो। पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वीडियोस का। तो होता क्या है कि जब भी हमारी कंटिन्यूअस सीरीज होती है तो कंटिन्यूअस सीरीज में फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, वही मेरी मॉडल क्लास कहलाती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू होती है वो रिपीट हो रही होती है फ्रीक्वेंसी में। तो जब भी कभी हाईएस्ट वैल्यू, हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही हो, यानी कई बार आ रही हो, तब हम ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करते हैं। या फिर मेरी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, या तो वो फ्रीक्वेंसी के एकदम स्टार्टिंग में दी हो या फिर एकदम एंड में दी हो, तो वहां पर हम ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ रीजंस हो गए जब हम लोग ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करते हैं। या फिर अगर हमको फ्रीक्वेंसीज लगातार असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में दी है, कि लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसके बाद कई चार पांच वैल्यूज बढ़ती गई, उसके बाद कुछ वैल्यूज कम हुई, इस तरह की जब फ्रीक्वेंसी दी हो कि कई सारे नंबर उसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, फिर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही हो, तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी के केस में भी हम लोग ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करते हैं। तो ये तीन मेन कॉमन रीजन देखे जाते हैं जहां पर हम लोग ग्रुपिंग मेथड को अप्लाई करते हैं। तो अभी हम लोग समझते हैं कि ग्रुपिंग मेथड में आखिर कितने स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप में ग्रुपिंग मेथड निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो स्टेप्स होते हैं उसमें पहला स्टेप होता है कि हम लोगों को जो फ्रीक्वेंसी दी होंगी, जब भी हमारी, अगर इन तीन में से जो हमने आपको बताया कोई भी रीजन हो तो आपको ग्रुपिंग मेथड लगाना हो, या क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन हो तब आपको ग्रुपिंग मेथड लगाना होगा। अगर लिखा है कि कैलकुलेट मोड बाय ग्रुपिंग मेथड, तब तो आपको लगाना ही लगाना है ग्रुपिंग मेथड। तो सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसीज की ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग कैसे करना है वो भी हम सिखाएंगे। सेकंड स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ एनालिसिस टेबल। जब आप फ्रीक्वेंसीज की ग्रुपिंग कर लेंगे तब एनालिसिस टेबल आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन थर्ड स्टेप में एनालिसिस टेबल जब प्रिपेयर करेंगे तो वहां से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, वहां से आपको आपका मॉडल क्लास मिल जाएगा। ठीक है, एनालिसिस टेबल प्रिपेयर करने से आपको क्या मिलता है, मॉडल क्लास मिल जाता है। देन जब आपको मॉडल क्लास पता चल गई तब आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। फॉर्मूले ये इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। मोस्ट कॉमन जो फॉर्मूला है वो है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। इसी को भी हम लगाने वाले हैं और इसी से हमने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए थे। सबसे ज्यादा यही यूज होता है, बट कुछ केस में हो सकता है आपकी बुक में आपके मोड के अगर 40 questions हो तो 40 में एक question आपका जो author है वो इस math formula से solve करके दिखा दे। अदरवाइज ज्यादातर यही यूज किया जाता है, या लिखा हुआ है कि इस फॉर्मूले से मोड को निकालिए, तो आप ये फॉर्मूला लगा के मोड निकाल सकते हैं। L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू I। ये F1 F2 F0 निकालना कैसे, ये भी आपको क्वेश्चन करते टाइम पता चल जाएगा। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन ले लिया है। देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या होगा, क्लास इंटरवल्स दी होंगी, साथ में फ्रीक्वेंसीज दी होंगी। तो फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल को इस तरह से नोट करना है, जो भी हमें फ्रीक्वेंसी दी थी हमने उन्हें एक कॉलम में नोट किया, उसके बाद ऊपर हेडिंग डाली फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के कॉलम को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और फर्स्ट नंबर इसमें नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6, और फर्स्ट कॉलम में हमने फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दी थी उन्हें नोट कर लिया। क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी होगी, उसे आपको इस तरह से नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आपको क्या करना है, सेकंड कॉलम से कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। इतना चीज है क्वेश्चन में दी थी, ठीक है, ये क्लास इंटरवल क्वेश्चन में दी थी और फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दी होगी। तो फ्रीक्वेंसी को यहाँ फर्स्ट नंबर डाल के नोट कर लीजिएगा। सेकंड नंबर से आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को स्टार्टिंग से दो दो फ्रीक्वेंसी प्लस करना है और सेकंड कॉलम में लिख देना है। तो चलिए ऐड करते हैं, 2 + 7 कितना होगा 9, 15 + 16 कितना होगा 31, 17 + 8 कितना होगा 25, 5 + 17 22 और 2 + 1 हो गया 3। तो सेकंड कॉलम में आपको क्या करना है, अपनी फ्रीक्वेंसीज को दो दो करके ऐड करना है और उनका टोटल लिख देना है। थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, हम सारे कॉलम जो है वो आपको फ्रीक्वेंसी से ही बनाने हैं, ठीक है, उससे पहले वाले कॉलम को नहीं देखना है। थर्ड कॉलम कैसे बनेगा, ऊपर की फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपको स्किप कर देनी है, सेकेंड फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी से दो दो का टोटल कर लेना है। तो चलिए टोटल करते हैं, 7 में 15 ऐड किया 22, 16 प्लस 17 ये हो जाएगा 33, उसके बाद 8 प्लस 5 13 और 17 प्लस 2 19। थर्ड कॉलम के बाद फोर्थ कॉलम का टोटल कैसे करेंगे, हम स्टार्टिंग से तीन तीन फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, यानी फर्स्ट कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी है सबसे पहले हमने ऊपर से दो दो को ऐड किया, उसके बाद फर्स्ट वाली स्किप कर दी, सेकंड से दो दो का टोटल किया, अब क्या करेंगे ऊपर से तीन तीन का टोटल करेंगे, तो 15 प्लस 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 24, उसके बाद 16 प्लस 17 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 41, 5 प्लस 17 प्लस 2 हो जाएगा 24। ऊपर से हमने तीन तीन का टोटल कर लिया, अब फिफ्थ कॉलम में क्या करना है, ऊपर की एक स्किप करना है, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी स्किप करके सेकंड फ्रीक्वेंसी से तीन तीन का टोटल ले लेना है। तो चलिए टोटल करते हैं, 7 प्लस 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 16 और 15 हुआ 31, 31 में 7 ऐड किया 38। नेक्स्ट थ्री फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, 17 प्लस 8 प्लस 5, तो 17 प्लस 8 हो गया हम लोगों का 25, 25 प्लस 5 हो गया 30। उसके बाद नेक्स्ट थ्री फ्रीक्वेंसीज लेंगे 17, 2 और 1, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 1 हो गया 20, ये हम लोगों ने टोटल ले लिया। उसके बाद सिक्स्थ कॉलम में क्या करना है, सबसे पहले देखिए फोर्थ कॉलम में आपने ऊपर से तीन तीन का टोटल लिया, उसके बाद फर्स्ट वाली स्किप कर दी, नेक्स्ट थ्री का टोटल लिया, अब क्या करना है लास्ट कॉलम में ऊपर की दो फ्रीक्वेंसी स्किप करना है और थर्ड फ्रीक्वेंसी से तीन तीन फ्रीक्वेंसी प्लस कर लेना है, तो 15 प्लस 16 प्लस 17 कितना हो जाएगा 48, फिर 8 प्लस 5 प्लस 17 ये हो जाएगा 30। अब नीचे दो ही फ्रीक्वेंसी है, तीन का टोटल नहीं बन पा रहा है, तो अगर आपकी तीन नहीं बच रही है तो उसे आप स्किप कर देंगे। इस तरह से हम लोग बनाएंगे फ्रीक्वेंसी टेबल और ग्रुपिंग कर लेंगे फ्रीक्वेंसीज की। ग्रुपिंग हो गई है, अब हम क्या करते हैं एनालिसिस टेबल प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए एनालिसिस टेबल किस तरह से प्रिपेयर करना है, हम लोगों को यहाँ पर कॉलम जो हम लोगों ने बनाए ना, सिक्स कॉलम्स बनाए, तो हमको यहाँ कॉलम हेडिंग डालनी है और 1 2 3 4 5 6 नंबर्स डाल लेने हैं, और उसके बाद इस तरह से यहाँ पर अपनी सारी क्लास इंटरवल्स को नोट कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोगों को 0 to 10 से लेकर 9 to 100 तक 10 कॉलम हमने बना लिए और सारी क्लास इंटरवल्स को नोट कर लिया। अब करना क्या है, हमें हर एक कॉलम में जो हम लोगों ने ग्रुपिंग की है तो एक एक कॉलम में चेक करेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो फर्स्ट कॉलम में अगर देखें तो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 17 और 17 दो बार आया है, तो जितनी बार भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई है हम उसके सामने वाली क्लास इंटरवल देखेंगे। एक बार इसके सामने वाली क्लास इंटरवल है 40 से 50, दोबारा है 70 से 80। तो फर्स्ट कॉलम में हम दो जगह पे टिक लगाएंगे, एक 40 to 50 में और एक 70 to 80 में। इसी तरह से सेकंड कॉलम में करेंगे, यहाँ पर हमारी हाईएस्ट नंबर है 31। 31 किन दो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने पे आया था, 15 और 16 को ऐड करने पे आया था। इनके सामने की क्लास इंटरवल क्या है, 20 to 30 और 30 to 40। तो हम इस पर टिक लगा लेते हैं 20 to 30 और 30 to 40। सेम ऐसे थर्ड कॉलम में करना है, हाईएस्ट नंबर है 33। 33 आया 16 और 17 को प्लस करने पर, 16 और 17 के सामने की क्लास इंटरवल क्या है, 30 to 40 और 40 to 50। तो हम यहाँ मार्क कर लेते हैं 30 to 40 और 40 to 50। देन फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट नंबर है 41। 41 आया है किसको ऐड करने पर आया था, इन तीनों को ऐड करने पर आया था, 16, 17 और 8 को। 16, 17 और 8 के सामने की जो क्लास इंटरवल है उस पर मार्क करते हैं फोर्थ कॉलम में, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 मार्क कर लिया। देन नेक्स्ट फिफ्थ कॉलम में हाईएस्ट नंबर है 38। 38 किसको ऐड करने पर आया था, 7, 15 और 16 को ऐड करने पर आया था। तो इनके सामने की क्लास इंटरवल पे टिक लगाते हैं। फिफ्थ कॉलम में 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40। लास्ट जो कॉलम है सिक्स, उसमें हाईएस्ट नंबर है 48। 48 आया था 15, 16 और 17 को प्लस करने पर। इन तीनों के सामने की क्लास इंटरवल ले लेते हैं 20, 30, 30, 40, 40, 50। ठीक, इस तरह से प्रिपेयर करना है आपको एनालिसिस टेबल। अब देखना है कितने टिक्स किसके हिस्से में गए। तो देखिए 10 टू 20 के हिस्से में एक टिक आया है, यहाँ पर 3 टिक्स आए हैं, यहाँ पर 5, 4, 1। तो सबसे ज्यादा टिक किसको मिले, 5 टिक मिले हैं 30 टू 40 को। तो 30 टू 40 जो है ये हो जाएगी मेरी मॉडल क्लास,
और मॉडल क्लास का जो मेरा फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F1, उसके ऊपर वाली F0 और उसके नीचे वाली F2। तो इस तरह से आपको अपनी मॉडल क्लास फाइंड करना है। मॉडल क्लास जब मिल जाए तब आपको मोड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या था, हमने बताया था फर्स्ट फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 / I, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अभी मॉडल क्लास का मेरा L1 क्या है, मॉडल क्लास है मेरी 30 to 40, तो L1 हो गया 30 प्लस F1 - F0। F1 है 16 और F0 है 15, माइनस कर देते हैं यहाँ पर 16 - 15 अपॉन में रखना है 2F1, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे F1 यानी 16 में -F0 - F2। देखिए F0 है 15 और F2 है 17, यहाँ पर माइनस करते हैं 15 और 17 और मल्टीप्लाई कर देंगे I से। I का मतलब होता है क्लास इंटरवल का डिफरेंस, तो यहाँ पर मेरी जितनी भी क्लास इंटरवल है उसमें 10-10 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पर I की जगह ले लेंगे 10। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट लेना है, 30 आज इट इज लिखा, 16 में से 15 माइनस किया बचा 1, 1 का 10 में मल्टीप्लाई किया यहाँ 10 आ गया। अब नीचे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट 2 × 16 हो जाएगा 32, 32 में से 15 माइनस करेंगे बचेगा 17, 17 में से 17 माइनस किया ये बचा 0। 30 किसी भी नंबर में हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें हमारा आंसर 0 हो जाता है। 30 में 0 ऐड किया ये मेरा मोड कितना आ गया 30। अब हम लोग इसको सेकेंड फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, देखते हैं दूसरे फॉर्मूले से मोड क्या आएगा। तो फॉर्मूला दूसरा क्या था, L1 + F2 / F0 + F2 / I। हमारी मॉडल क्लास जो है उसमें F2 कितना है 17 और F0 है 15 और L1 था 30, तो वैल्यूज पुट करते हैं L1 30 प्लस F2 17 अपॉन में F0 रखेंगे यानी 15 और F2 की प्लेस पर 17 वैल्यूज पुट की। क्लास इंटरवल का डिफरेंस 10-10 मार्क्स का है। 17 का 10 में मल्टीप्लाई किया ये हो गया 170, 15 में 17 हम लोग प्लस करेंगे तो ये हो गया 32। 170 को डिवाइड देते हैं 32 से, 170 / 32 ये आ गया 5.3125, तो 5.31 ले लेते हैं, 30 में 5.31 ऐड किया ये हो गया 35.31 और ये निकल कर आ गया हम लोगों का मोड। तो हम लोगों ने आज ग्रुपिंग मेथड में मोड निकालना सीख लिया है कि ग्रुपिंग मेथड में किस तरह से फ्रीक्वेंसीज की ग्रुपिंग करना है, उसके बाद एनालिसिस टेबल प्रिपेयर करना है, देन मोड का फॉर्मूला लगा के हमको इसका मोड निकाल लेना है। तो देखिए मोड के दो फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर, तो हमने दोनों लगाकर आपको दिखा दिए, आपको जो सूटेबल लगे वो आप लगा सकते हैं, बट सबसे ज्यादा जो यूज कर किया जाने वाला फॉर्मूला है वो है ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, तो सबसे ज्यादा इसी फॉर्मूले को यूज किया जाता है, इसलिए आप एग्जाम में इसी को अप्लाई करिएगा। तो उम्मीद है ग्रुपिंग मेथड से मोड निकालना आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो और किसी थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। किसी टॉपिक में अगर आपका डाउट है तो उसे कमेंट में बताइएगा। इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।